कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के बाद अब उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं धीरे धीरे ही सही हौले हौले मुस्कुराने लगा है। एक बार फिर से जिंदगी ने पटरी पर आना शुरू कर दिया है। आज उत्तर प्रदेश शासन की ओर से उत्तर प्रदेश के 71 जिलों को कोरोना कर्फ्यू से मुक्त कर दिया गया। अभी करीबन 4 जिलों को इससे राहत नहीं मिली है, जिसमें लखनऊ, सहारनपुर, मेरठ जैसे शहर शामिल हैं। अभी आपको पूरा जो है सावधानियां बरतनी है, एकदम से भीड़ का जमाव नहीं करना है। शासन की ओर से ये साफ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बीते दिनों उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर ने जमकर तबाही मचाई। हजारों हजारों लोगों की मौत हुई, कई सारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं तो बिल्कुल एकदम से चरमरा सी गई थी। हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, डॉक्टर्स एक साथ इतने मरीजों को कैसे देखे, बेड की कमी हो गई थी। तो सरकार के लिए भी कहीं ना कहीं ये एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, लेकिन अब एक बार फिर से जिंदगी ने मुस्कुराना शुरू कर दिया है और कोरोना के जो केसेस हैं वो उत्तर प्रदेश में कम होना शुरू हो चुके हैं। शासन का ये गाइडलाइन था कि जिन जिलों में 600 से अधिक केस हैं वहाँ पर कोरोना कर्फ्यू में कोई राहत नहीं दी जाएगी। जहाँ से एक्टिव केस 600 से कम होना शुरू हो जाते हैं उन जिलों में कोरोना कर्फ्यू से राहत मिल जाएगी। अभी लखनऊ में कोरोना के एक्टिव केसेस 600 से ऊपर हैं, तो आने वाले दिनों में राजधानी में भी जो है कोरोना के इस आंशिक कर्फ्यू से जो है वो मुक्ति मिल जाएगी। जिंदगी एक बार फिर से लोगों के हिसाब से चलना शुरू कर देगी। हालांकि अभी भी हमें पूरी तरीके से असावधान नहीं हो जाना है। जानकारों का मानना है कि कोविड की तीसरी लहर भी आ सकती है, तो इसलिए स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के तहत हमें भी पहले से तैयार होना होगा और वैक्सीनेशन के लिए आवेदन करना होगा ताकि समय से हमारा वैक्सीनेशन हो सके। तो ये था कोविड से जुड़ा हुआ कुछ अपडेट जो हमने आपको दिया। मेरा नाम आयुष तिवारी है और आप रॉक्सी हिंदी को देख रहे हैं।